आज हम मौजूद हैं सिने एंड टीवी एसोसिएशन यानी सिंटा के न्यू ऑफिस ओपनिंग पर जो दिल्ली में हो रहा है। सिंटा एक ऐसे हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है जो आर्टिस्टों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इंडस्ट्री में आर्टिस्टों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सिंटा एक ऐसे रूप में काम करेगा जो उनको एक हेल्प की तरह मुहैया कराएगा, उनको हेल्प देगा और उनकी तकलीफें दूर करेगा। अब दिल्ली हर शहर को छोड़कर, आपने दूसरे शहर को छोड़कर दिल्ली को ही क्यों चुना सेंटर के ऑफिस के लिए? पहले तो तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका। बेटा प्रिया? प्रियंका सर। प्रियंका, ऐसा है कि बम्बई ही एक शहर नहीं है कि जहां एक्टर्स तैयार होते हैं, दिल्ली में भी एक्टर्स तैयार होते हैं। यहाँ शूटिंग्स होती है लेकिन उतनी ज़ोरों में नहीं होती है जितनी कि बम्बई में होती है। लेकिन बम्बई का एक्टर या टेक्नीशियन या जो भी कोई पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, वो जितना एकजुट के साथ काम करना चाहता है, कोशिश करता है, उस कोशिश के बारे में दिल्ली के लोग, दिल्ली के एक्टर्स, दिल्ली के टेक्नीशियंस में कुछ मालूम भी नहीं है। आई कैन गो टू कानपुर, आई कैन गो टू लखनऊ, आई कैन गो टू वाराणसी, सभी जगह हो रही है शूटिंग। आई कैन गो टू डलहौसी, आई कैन गो टू एनीवेयर। जो यूनिटी की बातें हम कर रहे हैं या हमारे बिरादर के लोग कर रहे हैं, वो यूनिटी के बारे में यहाँ किसी को कुछ कल्पना ही नहीं है। इसलिए हमने पहले दिल्ली सोचा, दिल्ली के ये करते हैं, दिल्ली में सिंटा अगर निकलेगा तो दिल्ली में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स दिल्ली से तो बम्बई आते हैं स्ट्रगलिंग करने के लिए, ये तो इतिहास है हमारा। भैया यूपी के एक्टर्स आते हैं, नाम देखो आप इंडस्ट्री में, सारे के सारे लोग हिंदी स्पीकिंग एक्टर्स, फाइन एक्टर्स, दे आर देन है, वो दिल्ली की देन है, यूपी की देन है, लखनऊ की देन है। तो उसके लिए हमने सोचा कि पहले दिल्ली में शुरू करते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है तो हम सभी जगह, ये जो नॉर्थ का एरिया है जहाँ जहाँ शूटिंग्स होती है हिंदी फिल्मों की, वहाँ हर अच्छे बड़े शहर में जहाँ तादाद है एक्टरों की, वहाँ हम ये खोलेंगे ऑफिस। दूसरी बात, एक और अहम बात है कि हम सिंटा की मेंबर्स की तादाद नहीं बढ़ाना चाह रहे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग हाई नंबर, वी आर हियर टू जस्ट टेल देम, उन्हें एहसास कराना है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। और जैसा मैंने अभी मेरे भाषण में कहा कि ना कहने के लिए एक ताकत लगती है कि मैं भूखा मरूंगा लेकिन इस तरह से काम नहीं करूंगा। सो सर, सिंटा एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगा आर्टिस्ट के लिए, सो किस तरीके की हेल्प वो प्रोवाइड कराएगा आर्टिस्ट? इंटरनेशनल, हम फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिंटा नाउ इज एसोसिएटेड एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल फिल्म एक्टर्स एसोसिएशन। तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो यहाँ के गवर्नमेंट ने भी मान लेने चाहिए और ये इम्प्लाई करने चाहिए, इम्पोज करने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन अगर उसका हुआ तो सारे इस तरह से इनसे काम करवाने वाले जो है वो समझ जाएं कि अभी सदियों से हम काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अभी ऐसा नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ आर्टिस्ट आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? काम करते रहो, रोज काम करते रहो, लेकिन ना कहने की हिम्मत भी रखो और बी डिसिप्लिन, बी स्टूडियस, बी अ वॉचर ऑफ गुड एक्टर्स, गुड पीपल, बी अ गुड लिसनर टू गुड स्पीचेस, गुड म्यूजिक, बी अ वॉचर ऑफ गुड पेंटिंग्स, वॉचर ऑफ और एन्जॉइंग द वोकल क्लासिकल म्यूजिक और डांस, एवरीथिंग, बी स्टूडियस। थैंक यू सो मच सर। सिंटा आर्टिस्टों के लिए एक ऐसे हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है जो आर्टिस्टों को बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर मौजूद कलाकारों ने बताया कि ये कैसे काम करेगा,
कैमरामैन आलोक मौर्य के साथ मैं प्रियंका शर्मा, नवभारत टुडे। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।